नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। सिवान में इस कड़ाके की ठंड में जहां हर कोई अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहीं समाज सेवी जीवन यादव लगातार समाज सेवक हर दबे कुचले लोगों के बीच पहुंचकर राहत देने का कार्य कर रहे हैं। जहां जाते हैं वहां राहत सामग्री लेने वालों का भरपूर आशीर्वाद जीवन यादव को मिल रहा है। बताते चलें कि जीवन यादव लगातार कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं। जिले में लगभग हर मोहल्ले हर गली में चाहते हैं कि गरीबों दबे कुचले लोगों को राहत सामग्री इस ठंड में कम से कम कंबल के माध्यम से ही पहुंचाया जाए। जहां जाते हैं वहां बताया जाता है कि लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है। यही नहीं, एक महिला ने कहा कि इतनी ठंड में किसी ने भी मदद नहीं पहुँचाई, लेकिन जीवन यादव ही हैं जो इस तरह का मदद सही समय पर किए हैं। कंबल से राहत तो मिलेगी ही, महिला ने कहा, हम लोग जीवन यादव के साथ खड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। बीत गई लो, भारी भारी ऑफिसर नेता बा लोग केहू ना आई लो गरीब के देखे खतरा। कोई ऐसा नेता बाबू वही है कि गरीब के कमरा बटाई। का नाम है यहाँ के नेता का? नाम तो जीवन जादू। अच्छा, तो अभी तक और क्यों नहीं खेल रहा लोग? क्यों नहीं पूछे आवेला के बड़ा लोग कैसे बड़ा लोग कुछ ना ना इतना शीतलहरी बीत गई दूगो लकड़ी तक गिरल अले ना। आशीर्वाद खुश खुश रहे। तो अब यहाँ के कंबल देले बनी तब ठंडा से राहत मिली रहुआ लोग? जरूर कहे ना, कुछ राहत मिलबे करी। जी जी, हाँ राहत मिले चाहे ना मिले, अपने के मोहल्ला में ओइनी नु पटवौनी नु। तो यहाँ खातिर का कहम रहुआ? यहाँ खातिर का कहम, जौन हुआ के कहम तब हम खातिर खड़ा रहिए। जा रहा है, क्या कहेंगे? इसके विषय में तो बहुत शुभ कार्य हुआ है, जिसके लिए लेकर बहुत मतलब हमारे जो भी सफाई कर्मचारी है चाहे जो भी गरीब व्यक्ति है उनको तरफ से सिरे अवगम पूरा जा रहा है कि जो ये कंबल बंटवा रहे हैं। कौन बंटवा रहे हैं, क्या पता चला है आपको? जीवन जी है। अच्छा, इसके पहले और नेता लोग आए थे कि नहीं कंबल उम्बल बांट? इससे तो पहले कोई भी नहीं आए थे, खाली जीवन ज्यादा बांट रहे हैं। क्यों नहीं आया जीवन? इनके लिए आप अपने तरफ से कुछ कहेंगे आपके इलाके में आकर के तमाम लोगों को दे रहे हैं? जी, जितना हमको कहना है हमारा श्रेय पूरा जाता है उनके, अपना नाम बता दें। संजय पासपोर्ट नगर परिषद यूनियन लीडर। हमको तो बहुत खुशी मिल रहा है आपके चैनल के द्वारा, हम अभिनंदन करते हैं कि आप लोग हमारे साथ साथ चल रहे हैं। आप लोग भी परेशान हैं हमारे साथ, तो हम बांट रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी श्रेय मिले ऊपर वाले के तरफ से, और जनता का स्नेह आपको भी मिले हमको भी मिले। कहाँ कहाँ आज कंबल का वितरण किया गया और किस तरीके से लोग आ रहे हैं जब जानकारी मिल रही है उनको? जैसे लग रहा है कि जनता के अंदर बहुत हर्षोल्लास है कि आके कंबल जब हम वितरण कर रहे हैं काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। ऐसे उनको जितना खुशी नहीं मिला उनसे ज़्यादा हमको खुशी मिल रहा है भीड़ देख के कि लोग आज भी असहाय और गरीब है, मजलूम है, इस तरह का व्यवस्था हम नहीं देखे थे कहीं। हमको उम्मीद था कि हमारा सिवान शहर का डेवलप, लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, ये सिवान शहर डेवलप नहीं है, ये तो बहुत सिर्फ ऊपर ऊपर दिखने के लिए बिल्डिंगें दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, पैसा दिख रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। सिवान में आज भी हमको लग रहा है 60% लोग गरीब है। आ नगर पालिका जैसे क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में असहाय मजलूम इतने संख्या में हैं, मुझे उम्मीद नहीं था आज देखने को मिला। हम चाहेंगे कि सरकार चाहे सभापति जो भी आए वो इनके लिए कुछ करे। हम गोरखपुर से आ रहे थे, उसी दिन एक तीन चार आदमी ठंड में कांप रहे थे, तो हम देखे तो पहला उसी दिन हम निर्णय किए कंबल मंगा के उनको दिए, और देने के बाद उनसे पूछे कि आप मतलब ऐसा क्यों है, कंबल इस बार वितरण नहीं हुआ? हम तो नहीं थे यहाँ पे काफ़ी दिन से, हम गोरखपुर थे। तो वो लोग बोले कि नहीं कंबल बांटता कौन है, तो हम बोले कि अगर हम कंबल बांट रहे हैं तो खुशी मिलेगी लोगों को, और पूरे शहर में बांटे तो उन्होंने हमको डिसीजन मैंने राय दिया
बुजुर्ग लोग थे, काफी 60-70 साल के थे, उन्होंने राय दिया कि आप अगर पूरे शहर में असहाय लोगों को कंबल बांटेंगे तो स्नेह काफी संख्या में आपको मिलेगा। इस तरह से लोगों को हमसे मदद चाहिए, वो आके हमसे कहें, हम जितना सक्षम हम करेंगे। मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जनता से, असहाय और गरीब मजलूम लोगों से, कि अगर जरूरत पड़े, मेरा मोबाइल नंबर है मेरे कंबल पे, कभी भी कोई भी जरूरत हो किसी भी वक्त मुझे कॉल करें, मैं वहाँ उपस्थित मिलूंगा।